हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिया प्रकाश वैरियर के बारे में। जैसा कि इंटरनेट जो बंदा यूज कर रहा है, ऐसा कोई भी बंदा ना होगा जो इसका नाम ना जानता हो। 2 दिन पहले ये लड़की आई और इतना फेमस हो चुकी है। तो अभी उसकी जो लेटेस्ट फोटो है वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। मैं आज उसी को एक फोटो को एडिट करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। जो कि आपने जो फोटो देखी वो ओके थी, लेकिन अभी मैं उसको और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये फोटो ले लेता हूँ, आप सभी जानते ही रहेंगे उसको। मैं यहाँ से इसको पिक्सआर्ट के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको पिक्सआर्ट के अंदर सेंड कर दिया। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे इफेक्ट्स में जाना रहेगा। इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे HDR इफेक्ट दे दीजिए और फिर यहाँ पे इरेज पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे और फिर इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फेस के ऊपर से जो इफेक्ट है वो हटा दीजिए। उससे जो फोटो है वो बहुत ही बेहतरीन दिखेगी। तो ये यहाँ से निकाल दीजिए और थोड़ा यहाँ से रख लीजिए ताकि अच्छा लुक दिखे। फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अभी आप देखोगे कि उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। अब हमें यहाँ पे इफेक्ट्स में जाना रहेगा वापस से। फिर यहाँ पे लास्ट में करेक्शंस पे जाके यहाँ पे फेस मिक्स पे क्लिक करना रहेगा। अपने अकॉर्डिंग ब्रश के साइज सेलेक्ट कर लीजिए और फेस के ऊपर ऐसे हल्के से घुमा दीजिए ताकि उसमें एक और भी ज़्यादा स्मूथनेस आ जाए। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि थोड़े हल्के धब्बे थे, मैं यहाँ से उनको हटा देता हूँ। इतना रख लेता हूँ, फिर यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि यहाँ से फोटो में दो दाग धब्बे थे वो भी हट चुके हैं। अब वो हमें यहाँ पे ड्रॉ पे जाना रहेगा। यहाँ पे ड्रॉ पे चले जाइए, फिर यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लीजिए ये वाला, और यहाँ पे ब्रश की जो यहाँ पे ये वाली ब्रश ले लीजिए और साइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। मैं इतनी रख लेता हूँ और फिर यहाँ पे लिप्स पे ऐसे घुमा दीजिए। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से कीजिएगा। फिर यहाँ पे जाके उसकी जो ओपेसिटी है वो यहाँ से कम कर दीजिए, इतनी रख लीजिए। फिर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद बताना चाहूँगा, अब यहाँ से फोटो अच्छी दिखने लगी है पहले से बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाइए वापस से। फिर यहाँ पे लास्ट पे कलर्स पे जाइए। कलर्स पे जाके यहाँ पे उसमें थोड़ी जो कलर है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा डाल दीजिए। यहाँ पे क्लिक करके लिप्स के ऊपर डाल दीजिए ताकि उसमें वो ज़्यादा डार्क हो जाए। ओके कर दीजिए। तो ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे टूल्स पे जाइए। फिर यहाँ पे जाके थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पे हल्का ऐसे थोड़ा फेस के ऊपर घुमा दीजिए। और ओके कर दीजिए। अब आप देखोगे कि फ़ोटो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, उसमें ग्लो भी ज़्यादा आ चुका है। तो ऐसे ही आप अपनी बेहतरीन फोटोज एडिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।